आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन, खबरों की तहतर। नमस्कार, मैं हूं नीलम मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन, खबरों की तहतर। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं यूनिवर्सल स्टारडम एक्टिंग एकेडमी लखनऊ, जय हिंद ड्राई क्लीनर्स एंड डायर्स। सेंट्रल बार एसोसिएशन लखनऊ का प्रतिनिधि मंडल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से अध्यक्ष आदेश सिंह व सेंट्रल बार के महामंत्री संजीव पांडे के नेतृत्व में उनके 4 अकबर रोड दिल्ली स्थित आवास पर अधिवक्ताओं की समस्याओं को लेकर मुलाकात की। अधिवक्ताओं ने रक्षा मंत्री को 15 सूत्री मांग का सेंट्रल बार द्वारा ज्ञापन दिया, जिसमें प्रमुख रूप से अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम, अधिवक्ताओं का सामूहिक बीमा 10 लाख, अधिवक्ता व उस पर आश्रित परिवार को 5 लाख का मेडिक्लेम, अधिवक्ताओं के चैम्बर को घरेलू दरों पर बिजली, रिक्त पड़ी तहसील की जमीन पर सिविल न्यायालय का विस्तार, पार्किंग के लिए परिवहन निगम वर्कशॉप में स्थान, सिविल कोर्ट परिसर में आधुनिक महिला शौचालय, सोलर प्लांट, न्यायालयों में अधिवक्ता व न्यायिक अधिकारियों के समुचित बैठने का स्थान, साफ सफाई, टोल फ्री सहित 15 सूत्री मांग पत्र सौंपा। मुख्यमंत्री सचिवालय लोक भवन में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा के दर्शन के लिए आज दरवाजे खोले गए। इस अवसर पर प्रतिमा की सुरक्षा के लिए पुलिस अधिकारी और जवान तैनात थे। 23वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय खेल राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने युवा महोत्सव का उद्घाटन किया। पूरे देश से हजारों युवा इस महोत्सव में शिरकत कर रहे हैं। अब समय हो चुका है ब्रेक का, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार, मैं हूं अनूप सोनी। अगर आपके अंदर छुपा है एक बेहतरीन एक्टर, अगर आपके अंदर है एक्टिंग का शानदार हुनर, तो यूनिवर्सल स्टारडम एक्टिंग एकेडमी आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्टिंग टैलेंट हंट, जिसमें वो आपको मौका देंगे उनके साथ काम करने का, और वो भी मुंबई में। तो जल्दी से अपने ऑडिशन रजिस्टर करें इस पते पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं के कॉमर्स क्लासेस, लखनऊ ज्वेलर्स, विकल्प प्रॉपर्टी, वासुदेव इंटरप्राइजेज, श्री बालाजी होम्योपैथिक क्लिनिक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए हुए लाल बटन को दबाएं और अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं। आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन, खबरों की तहतर।